सो प्रीवियस वीडियो में हमने OnePlus 8T और Oppo Reno 5 Pro की कैमरा परफॉर्मेंस कंपेयर की है, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने वाले हैं और हम स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन्स में, और हम जान जाएंगे कि किस फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो फिर चलिए स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोनों ही फ़ोन्स को मैंने सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट किया हुआ है, दोनों ही फ़ोन्स में डेटा ऑफ है और ब्लूटूथ भी ऑफ है, और बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रही है। तो फिर चलिए स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं। बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो हमें Oppo Reno 5 Pro में मिल जाता है MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट जो कि है MediaTek Dimensity 1000 Plus, और हमें जबकि OnePlus 8T में मिल जाता है Snapdragon 865 जो कि Qualcomm का 2020 का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो PUBG खोलने तक तो दोनों ही फ़ोन्स ऑलमोस्ट इक्वल थे, लेकिन PUBG में हमें डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। इसमें जो OnePlus है उसने डेफिनेटली जल्दी लोड कर लिया है, क्योंकि हमें Qualcomm के प्रोसेसर्स के साथ जो Adreno GPU मिलता है वो MediaTek के माली से जनरली फास्ट होता है, और इस केस में भी वही हो रहा है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये दोनों ही फ़ोन्स के मेरे पास 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट्स हैं, और ऐसे स्पीड टेस्ट्स में थोड़े से ह्यूमन एरर के भी चांसेस होते हैं। कभी कभी टैप करने पर ऐप ओपन नहीं होती है, या फिर कभी होम पे जाने पे थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो उसके लिए मार्जिन रखिएगा, और एक दो सेकंड के फर्क को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सो गाइस, पहला राउंड ओप्पो ने जल्दी फिनिश कर लिया है 1:36 में, जबकि अभी OnePlus 8T गूगल क्रोम को ही लोड कर रहा है, और OnePlus 8T ज़्यादा भी पीछे नहीं रहा है। उसने भी 1:46 पे कंप्लीट कर लिया था, इसका मतलब सिर्फ 10 सेकंड का ही फ़र्क रहा है, लेकिन फ़र्क है, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि हमें ओप्पो से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो OnePlus 8T को बीट करेगा। रही बात OnePlus 8T की, तो OnePlus 8T में हमने थोड़े से फ्रेम ड्रॉप्स भी नोटिस किए ऐप्स खोलने में, तो लगता है OnePlus 8T थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 120Hz पे। और मैंने OnePlus 8T को 120Hz पे रखा है और Oppo Reno 5 Pro को 90Hz पे रखा है, और यही दोनों के मैक्सिमम रिफ्रेश रेट्स पॉसिबल हैं। अब 120Hz का मतलब होता है कि ज़्यादा स्मूथ एनिमेशंस, मतलब थोड़ी स्लो एनिमेशंस, तो ये भी वजह हो सकती है कि OnePlus 8T पीछे है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आप OnePlus 8T को 120Hz पे यूज़ कर रहे हैं और Oppo को 90 पे यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें तो Oppo ही थोड़ा सा फास्ट हमें दिखाई दे रहा है। और Oppo ने जो टेस्ट है वो फिनिश कर दिया है 2:28 में। ध्यान रहे कि मैंने इस टेस्ट में काफ़ी सारे गेम्स और ऐप्स यूज़ किए हैं, और आप डेली यूसेज में इतने सारे ऐप्स और गेम्स साइड बाय साइड खोलने नहीं वाले हैं। बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो OnePlus 8T ने काफ़ी सारी ऐप्स रीलोड भी कर दी थी, इसलिए उसने काफ़ी लेट फिनिश किया है टेस्ट को, 3:05 इसको लगे हैं। तो इन टोटल OnePlus 8T ने 37 ज़्यादा लिए हैं Oppo Reno 5 Pro से टेस्ट को फिनिश करने के लिए, और ये उसके पोअर रैम मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। आई होप OnePlus इसको डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, लेकिन मैं सरप्राइज्ड हूँ कि कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है Oppo ने। सो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। और आज ही मैं इसका फुल रिव्यू भी डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल से, और मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।